हाय, कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। आप देख रहे हैं शुभम सिंह ऑफिशियल। अभी मैंने नाम चेंज किया, अनप्लग शुभम सिंह कर दिया था, लेकिन फिर मैं इसको शुभम सिंह ऑफिशियल करने वाला हूँ। अभी एडिट नहीं हो पा रहा है क्योंकि शायद नाम चेंज करने में फिर कुछ दिन लगते हैं। मैंने अनप्लग शुभम सिंह कर दिया था, तभी सा चेंज करके सोचा नहीं, लेकिन फिर से उसको मैं शुभम सिंह ऑफिशियल ही करूँगा। तो स्वागत है शुभम सिंह ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सब? मैंने अपडेट दिया था कल कि आज पवन भैया का पोस्टर, मतलब गाने का पोस्टर आज रिलीज कर दिया जाएगा। मैंने ये अपडेट दिया था कल के अपने एक वीडियो में, और वो गाना शुभ लव फिल्म से आएगा, मतलब दशहरा के बाद अगर पहला लोकगीत छूटेगा तो वो शुभ लव फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, शुभ लव फिल्म म्यूजिक कंपनी से छूटेगा। और हम लगातार भैया के टीम से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, और बातें हो रही हैं। मैं बार बार कॉल करके पूछ भी रहा हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अभिषेक भैया से बात भी किया और गाने के बारे में पूछा, राय लिया। अभी हालांकि कल और परसों अमित भैया से भी बात हुआ था, आज अभिषेक भैया से बात हुआ, जो भैया के पर्सनल अभी मैनेजर हैं, जो सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें वहीं हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं। उनसे मैंने बात किया अभिषेक भैया से, तो उन्होंने कहा कि शायद वो अभी कहीं है, वो लखनऊ पहुँचे भी नहीं है भैया। मैंने बात किया तो लखनऊ भैया पहुंचे नहीं है, लखनऊ पहुंचते ही अभी वोकल बाकी है भैया का। मैंने कल के वीडियो में ये नहीं बताया था कि भैया ने गाया है कि नहीं, बस मैंने ये बताया था कि मैंने इस गाने को डमी में सुना है, डमी में सुना है प्रियांशु भाई की आवाज़ में, क्योंकि प्रियांशु भाई का म्यूजिक है, उन्होंने ही गाना बनाया है। तो प्रियांशु भाई ने मुझे सुनाया था गाना, सूर्या भाई को भी सुनाया था डमी में। गाने का वीडियो भी मैंने देखा था, बहुत ज़बरदस्त वीडियो शूट हुआ है और बहुत ज़बरदस्त, मतलब गाया ही है, उसका कोई जोर शोर नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप भी घर बैठे गेम खेलकर पैसा कमाना चाहते हैं? ऐसा आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि लोग घर पे बैठे गेम खेलकर सिर्फ पैसा कमाते हैं। आज मैं वो दिखाऊंगा रियलिटी में, और एक गेम लेकर आया हूँ आप सबके लिए जिसका नाम है rummy334.com, जिसमें आप सब गेम खेलकर ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। और कुछ इस तरह का फेज ओपन होगा जहां पर अपना नंबर और पासवर्ड क्रिएट करके आईडी बना लीजिए, और मैंने तो अपना आईडी बना लिया है, आप भी बना लीजिए। तरीका आपको बता दिया मैंने, इस तरीके से आईडी बना के उसके बाद आप गेम खेल सकते हैं। जैसे मैं खेल के बताता हूँ, एग्जांपल में मेरा फेवरेट गेम है ड्रैगन वर्सेस टाइगर, जिसको मैं अभी खेलूंगा, लाइव में खेलूंगा और खेल के दिखाऊंगा कि कैसे इसमें जीत सकते हैं। और यहाँ पे अफसोस, पहला चांस में हार गया, मैंने पहले 2000 का बेट लगाया था लेकिन मैं हार गया। कोई भी गेम में हारने और जीतने के चांसेस रहते हैं 50-50%। तो पहला फेज में हार गया, मैं फिर से बेट लगाऊंगा, और इस बार 4000 का बेट मैंने लगा दिया और गेम खेल रहा हूं, और यहाँ पे मैंने 4000 वाला बेट जीत लिया। दोस्तों ये देखिए, 4000 का बेट मैंने जीता और मैंने पैसा कमाया, और डायरेक्ट पैसा मेरे खाते में, जहां से मैं विथड्रॉ कर सकता हूँ। वैसे तो बहुत सारे गेम है इस एप्लीकेशन में, जो मन हो खेल के आप सब पैसा कमा सकते हैं, rummy334.com। तो जल्दी से जाइए, रजिस्टर करिए और खूब सारा पैसा कमाइए। बहुत लाजवाब वीडियो शूट हो चुका है, मैंने देखा वीडियो, बहुत मस्त है, गाना भी सुना, गाना भी बहुत ज़बरदस्त है। पति पत्नी का वही प्यारा सा प्यार भरा नोक झोंक इसमें आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। जैसे मेहरारू मिलल गाए दादा, धनी हो सब धन, राजा जी के दिलवा टूट जाई, चाहे मीरा म्यूजिक से आया था चूल्हा अलगे जरी, मतलब इस टाइप का थोड़ा सा प्यारा सा पति पत्नी का नोक झोंक देखने को सुनने को इस गाने में मिलेगा। मॉडल कोई नहीं है तो मुझे दिमाग में याद नहीं आ रहा है, माइंड में नाम याद नहीं आ रहा है। पवन भैया ने गाया है, शिल्पी राज जी ने गाया है, मतलब पवन भैया का अभी वोकल कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब उन्होंने अभी अपनी आवाज़ दी नहीं है इस गाने में, मतलब उन्हीं की आवाज़ होगी और शिल्पी राज जी की आवाज़ होगी। अभी भैया ने बस गाना नहीं गाया है, भैया का गाना गाना बाकी है, जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस रुका हुआ है। तो भैया लखनऊ पहुँचते ही इस गाने को अपनी आवाज़ में गा देंगे, जिसके बाद गाना फाइनल हो जाएगा। और रही बात पोस्टर की, तो अभी तो मैंने बात किया तो भैया ने बोला कि देखिए भैया, पवन भैया ने अभी गाना गाया नहीं है, थोड़ा काम में बिजी थे और अभी लखनऊ भी नहीं है, जा रहे हैं लखनऊ की तरफ ही जा रहे हैं, कहीं गए होंगे। तो लखनऊ पहुंचते हैं इस गाने को गाएंगे, और अभी तक तो पोस्टर नहीं आया है। अभी 5 बज गया, शाम के 5 बज गए, और मैंने आज ही का टाइम बोला था कि आज पोस्टर आने वाला है। देखिए, मुझे जो अपडेट मिलता है वहां से मैं बोल देता हूँ, अब बोल देनी तो बड़ा माँ का लकड़ी तो हो ना कि हो ही जाए, या फिर अगर पवन भैया ने ही बोल दिया कि हाँ, चाहे उनके टीम ने बोल दिया, पवन भैया थोड़ी बोलेंगे। मान लीजिए उनके टीम से अपडेट आ गया कि आज पोस्टर रिलीज हो जाएगा, और किसी काम में ही फंस जाएंगे सब लोग, किसी काम में उलझ जाएंगे, तो कैसे होगा?
तो ब्रह्मा का लकीर तो होता नहीं है, काम भी पड़ जाता है किसी किसी को, कहीं काम में उलझ गए हो जिसकी वजह से नहीं आ पाएगा, लेकिन हो सकता है तो आज लेट नाइट भी पोस्टर आ सकता है, लेट नाइट तक आ सकता है। अगर नहीं आए तो कल तो फाइनल है, अगर आज नहीं आया तो कल फाइनल है, कल पोस्टर आएगा। तो आप सब इंतजार करिएगा शुभला फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, म्यूजिक कंपनी से ये गाना रिलीज किया जाएगा पवन सिंह और शिल्पी राज की आवाज में, और आशुतोष बाबा ने इस गाने को लिखा है, हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं, और हमारा प्यारा राज दुलारा भाई प्रियांशु जी ने इस गाने के म्यूजिक को बनाया है, इस गाने को बनाया है। तो इंतजार करिएगा, धैर्य रखिएगा, सब्र का फल मीठा होता है, बहुत लाजवाब गाना है, आएगा तो आप सबको अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देना है और टूट पड़ना इस गाने पे। किसको किसको इंतजार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर और कुछ बात तो अपना राय विमर्श कमेंट में दे सकते हैं। और मैंने पॉडकास्ट का नया चैनल भी खोला हुआ है, इसी वीडियो में बता देता हूँ, पॉडकास्ट का नया चैनल खोला हुआ है जिसका नाम है देसी टॉक्स। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा अपने पॉडकास्ट के चैनल का, आप लोग जाके वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट बताइए कि आपको अगला पॉडकास्ट किसका चाहिए, अभी तो मैंने सूर्या भाई का किया है, कल गुंजन भैया का अपॉइंटमेंट लिया है हम लोगों ने, और प्रियांशु भाई का भी अपॉइंटमेंट लिया है जो म्यूजिक डायरेक्टर है हमारे, तो दो लोगों का कल अपॉइंटमेंट लिया है, देखते हैं और आगे किसका पॉडकास्ट चाहते हैं ये बताइए, और प्रियांशु सिंह और गुंजन सिंह से क्या सवाल करना चाहिए ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत नमस्कार।